नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। पंजाब के जिला लुधियाना में चोरी की वारदातें थम नहीं रही, अब तो गुरुद्वारा साहिब की गोलक तक बदमाश चुरा कर ले जा रहे हैं। घटना थाना मेहरबान इलाके की है। राहो रोड के गांव कक्का दी में देर रात 4 बदमाश ताला तोड़कर गुरुद्वारा साहिब में घुस गए। चोरों ने गुरुद्वारा साहिब में रखी गोलक उठाई। बदमाश गोलक को चुरा कर गुरुद्वारा साहिब से बाहर निकल गए। बताया जा रहा है कि गोलक में करीब 8 से 10 हजार रुपए की नकदी थी। गुरुद्वारा में ग्रंथी हरदेव सिंह आते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखते हैं कि गुरुद्वारा के गेट का ताला टूटा है। वह अंदर जाकर देखते हैं तो गोलक गायब मिलती है। हरदेव ने तुरंत प्रधान संतोख सिंह और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर आकर सीसीटीवी कैमरों की जांच की। कैमरों में आरोपियों की हरकत कैद हो गई थी। चारों आरोपियों ने मुंह ढके हुए थे। पुलिस ने इस मामले में गुरुद्वारा साहिब के प्रधान संतोख सिंह की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों लाडोवाल इलाके में भी गुरुद्वारा साहिब की गोलक चोरी हुई थी, लेकिन आरोपी आज तक पकड़े नहीं गए। गांव के लोगों ने कहा कि इलाके में कुछ लोगों के अवैध कॉलोनियां काटी हुई हैं। उन्हीं कॉलोनियों में बाहरी लोग रहते हैं जिनका पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अभी कुछ दिन पहले गाँव में एक ट्रैक्टर भी चोरी हुआ था जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।